2.1 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। पिछली कक्षा में हमने भारत के प्राकृतिक विभागों के बारे में पढ़ा था तथा यह भी समझा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है, लेकिन क्या इस उपमहाद्वीप का धरातलीय स्वरूप एक समान है? इस पाठ में हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक और धरातलीय बनावट में विभिन्नताओं तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इनकी उत्पत्ति और उन भौतिक और मानवीय संबंधों की जानकारी भी हासिल करेंगे जिनके कारण वर्तमान भौगोलिक और पर्यावरणीय परिदृश्य का निर्माण हुआ है। हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि अलग अलग भौगोलिक परिवेश में मनुष्य ने अपनी आजीविका और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदाओं का किस प्रकार उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का जनजीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में लोग कृषि के अलावा वन उत्पाद और खनन उद्योग पर अपनी आजीविका का निर्वाह करते हैं। थार के मरुस्थल और उत्तरी पर्वतीय इलाकों में रहने वाले कई समुदाय पशुचारण कर अपनी आजीविका चलाते हैं और समुद्र तटीय प्रदेशों के लोग मछलियों पर आधारित व्यवसाय से अपना गुजारा करते हैं। विज्ञान और तकनीकी का लगातार विकास हो रहा है, फलस्वरूप भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों में लगातार बदलाव हो रहे हैं। कुछ बदलाव पर्यावरण की दृष्टि से मानवीय विकास के रास्ते में प्रतिकूल समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए जरूरी है कि हम इन्हें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक संदर्भ में समझें। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित पामीर की गाँठ से कई पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, जैसे हिंदू कुश, कराकोरम, कुनलुन, थ्यांगशान और हिमालय। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है, पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और पूर्व में पूर्वी घाट की निम्न पहाड़ियाँ तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान हैं। क्या ये सब दिखने में एक जैसी है या एक ही समय में बनी है? संरचना, शैल समूह और भू आकृति की भिन्नता के आधार पर भारत की भू संरचना को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। पांचवा, भारतीय मरुस्थल। अब हम इन भू आकृतिक विभागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे।